हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन वेल अकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिन नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीटीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 15। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको बताने वाली हूँ विद द फॉर्मूलाज कि आप कैसे भी किसी भी पर्टिकुलर बीम पर या किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप केसेस को समझिए। आपका पहला केस बन सकता है कहीं पर आपके क्या हो रही है, एक्सियल लोडिंग हो रही है। ओके, एक पहला केस आपका ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, कहीं पर ऐसा हो गया कि भाई बेंडिंग आपको मिल गई, बेंडिंग हो रही है। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है कि कहीं पर आपको टॉर्जन वाला केस मिल रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं टॉर्जन हो रहा है। ओके, और चौथा केस आपको क्या मिल सकता है, चौथा केस आपको मिल सकता है कहीं पर शेयर लोडिंग हो रही है। ओके, तो इस तरीके से चार केसेस हैं। अब इन चारों केसेस की आपको स्ट्रेन एनर्जी के अगर फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। कहीं पर अगर एक्सियल लोडिंग हो रही है, तो एक्सियल लोडिंग कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी। ओके, ये आपकी बीम हो गई, और ये जिसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लोडिंग हो रही होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोडिंग हो रही है। अगर मैं बेंडिंग की बात करूं, तो बेंडिंग में आपकी सैगिंग भी हो सकती है और हॉगिंग भी हो सकती है। ओके, सैगिंग भी हो सकती है और हॉगिंग भी हो सकती है। तो आप जब बीम पे इस तरीके से मूवमेंट अप्लाई करोगे, तो बीम आपकी बेंट हो जाएगी और बेंड बीम आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अब सैगिंग और हॉगिंग कब होती है, जब आपकी बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं सैगिंग। यहां पर कॉम्प्रेशन आता है, यहां पर टेंशन आता है, और जब बीम आपकी कुछ इस तरीके से बेंट होगी, तो इसे हम लोग हॉगिंग बोलते हैं। उस पर्टिकुलर केस में यहां टेंशन और यहां कॉम्प्रेशन आ जाता है। ओके, ये सारी के सारी सीखने को आपको चीजें मिलेंगी जो हमारा मैकेनिकल का कोर्स चल रहा है। ओके, उसमें हम लोग पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिटेल में विद कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस स्टैंडर्ड क्वेश्चन साथ में सारी के सारी चीजें डिस्कस करने वाले। ओके, तो इस तरीके से आपको बेंडिंग देखने को मिल सकती है। सपोज कर लीजिए, लेंथ आप एल कंसिडर कर रहे हो, अगर कहीं पर टॉर्जन हो रहा है, ओके, या कहीं पर ट्विस्टिंग मोमेंट को अप्लाई करा जा रहा है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट किस तरीके से होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट आपका होने वाला है कुछ इस तरीके से। ओके, सपोज कर लीजिए, इनिशियली आपकी ये लाइन ऐसे है, उसके बाद ये प्लेन क्या होगा, ये प्लेन आपका शिफ्ट हो जाएगा जब आप यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट को अप्लाई करोगे। ओके, जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट को अप्लाई करोगे, इस तरीके से आपको टॉर्जन देखने को मिलेगा। अगर मैं शेयर लोडिंग की बात करूँ, तो शेयर लोडिंग कैसे होगी, सपोज कर लीजिए इनिशियल बीम आपकी इस तरीके से है, आपने यहाँ पर पी लोड को अप्लाई करा, तो ये बीम किस तरीके से डिफॉर्म होगी, आपकी बीम कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर देती हूँ, ये। ओके, तो ये हमारी शो कर रही है शेयर लोडिंग को। अब बात करते हैं, ये चारों के चारों लोडिंग में अगर आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी हो, जैसे कि कहीं पर एक्सियल लोडिंग हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, बेंडिंग हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, कहीं पर शेयर लोडिंग हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर भी जैसे आप डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ते हो, पी एल अपॉन ए ई, ओके, इसी तरीके से यहां पर भी जब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो दो केसेस होंगे उसके। पहला जो केस होगा, जब सारे के सारे टर्म्स एल की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी फॉर एक्सियल लोडिंग, ये आपकी हो जाएगी पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई। और इनमें से कोई एक भी टर्म आप, अगर आपका वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी इंटीग्रेशन, जो आपकी बीम की लेंथ है वो लिमिट हो जाएगी 0 टू एल, ये हो जाएगा पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए ई। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब कहीं पर अगर आपकी बेंडिंग हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई। ओके, इसी तरीके से इनमें से कोई एक भी टर्म अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो आपकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू एल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। ओके, आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहीं पर अगर आपका टॉर्जन हो रहा है, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया जा रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे। ओके, टी एल अपॉन जी जे तो आपको याद है ही, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट था, बस टी की जगह टी स्क्वायर कर दिया और नीचे टू आ गया। ओके, इसी तरीके से पी एल अपॉन ए ई क्या था, आपका डिफॉर्मेशन था, अब यहाँ पर पी स्क्वायर कर दिया और टू कर दिया, तो आपका क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी आ गई। अब अगर कोई एक भी टर्म वेरिएबल है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू जी जे। ओके, इसी तरीके से अगर कहीं पर शेयर लोडिंग हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा एफ स्क्वायर एल अपॉन टू जी ए। ओके, जी हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी तरीके से इनमें से कोई एक भी टर्म वेरिएबल है, और यहां पर एफ ना लीजिए,
ये यहाँ पर आप f कर लीजिए ताकि p और f में कंफ्यूज ना हो, ये शेयर फोर्स है, तो ये हो गया एफ स्क्वायर एल अपॉन टू जी ए, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए जी या टू जी ए जीरो टू एल लिमिट हो गई। ओके, यहाँ पर भी आपने लेंथ l कंसिडर करी, यहाँ पर भी l स्टैंडर्ड लेंथ हम लोगों ने कंसिडर कर ली l, ये जनरल आपके फॉर्मूलाज हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला, क्योंकि आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी सीखनी है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको CTQ का लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि अगर आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना आ गया तो आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आसानी से कास्टिग्लियानो थ्योरम को अप्लाई कर लोगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दी हुई है, ओके, और दो पॉइंट लोड लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू आपके पी है। अगर आप इस पर्टिकुलर बीम को इसके सेंटर से देखोगे, ओके, सेंटर पर एक वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लो, तो ये एक सिमेट्रिकल बीम है। जब भी कभी कोई सिमेट्रिकल बीम को आप डील करो और वहां पर आपको रिएक्शन फोर्सेज निकालने हो, तो हमेशा ये याद रखिएगा जितना भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है वो सारा का सारा सपोर्ट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आपकी बीम सिमेट्रिकल है। ओके, तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड 2p लग रहा है, बीम सिमेट्रिकल है, यहां से भी लेंथ सेम है, यहां से भी लेंथ सेम है और ये भी लेंथ आपकी 2l है। ओके, तो यहां पर आपका p आ जाएगा और यहां पर आपका p आ जाएगा। टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड 2p लग रहा है तो सपोर्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे p एंड p। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती है तब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी यहां पर रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हो, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, फिर किसी भी एक सपोर्ट पर खड़े होकर मोमेंट कंसीडर कर लीजिए, आपके रिएक्शन फोर्सेस फाइंड हो जाएंगे। हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी डेवलप होगी। अगर आप ये दोनों लोड को देखोगे तो इन दोनों लोड ने मिलके इस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम को तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक पोर्शन है आपका AB, एक पोर्शन है आपका BC और एक पोर्शन है आपका CD। ओके, आपको निकालना है टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अगर आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो AB पोर्शन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है, BC पोर्शन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है एंड CD पोर्शन में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है, तीनों के तीनों स्ट्रेन एनर्जी को आपको ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि भाई इसमें बेंडिंग हो रही है, कि एक्सियल लोडिंग हो रही है, कि शेयर हो रहा है, कि आपका टॉर्जन हो रहा है। ओके, तो यहां पर जब आप इस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम को ऑब्जर्व करोगे, ओके, इस तरीके से इस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम को ऑब्जर्व करोगे तो दो पॉइंट लोड की वजह से ये बीम कुछ इस तरीके से आपकी बेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बेंडिंग होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना है स्ट्रेन एनर्जी का, वो बेंडिंग वाला लगाना है। तो यहाँ पर हमें AB के लिए भी मूवमेंट चाहिए, BC सेक्शन पर मूवमेंट चाहिए एंड CD सेक्शन पर मूवमेंट चाहिए। अगर मैं AB सेक्शन पर एक AB पोर्शन पर एक सेक्शन कंसिडर कर लूँ X1, ओके, जो BC पोर्शन है इसके सेंटर पर ही मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेती हूं X2 और यहां पर भी मैं क्या करती हूं X3 एक सेक्शन कंसीडर कर लेती हूं और लेट कर लेती हूं इस सपोर्ट से जो ये L है और इस सपोर्ट से ये जो सेक्शन की डिस्टेंस है वो X है और यहाँ पर भी कंसिडर कर लेती हूँ ये जो सपोर्ट है इससे यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आपकी X है। तो आप ये पाओगे जो AB पोर्शन है वो CB और जो CD पोर्शन है दोनों ही पोर्शन की लेंथ सेम है, सबसे पहला कॉमन चीज़ हो गई। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर XX सेक्शन पर खड़े होकर मूवमेंट लोगे तो आपको मूवमेंट मिलेगा P × X। ओके, और यहां पर जब आप CD पोर्शन में जो आपने X3 सेक्शन लिया है जब आप यहां पर खड़े होकर मूवमेंट लोगे तो भी आपको मूवमेंट मिलने वाला है P × X। इसका मतलब ये जो AB पोर्शन है और ये जो CD पोर्शन है इनकी लेंथ सेम है, इनके मूवमेंट सेम है। ओके, यहां पर अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, एक फॉर्मूला है m² L/2EI और अगर मूवमेंट आपका वेरिएबल है तो दूसरा फॉर्मूला हो जाता है m² dx/2EI। अब AB और जो CD पोर्शन है इनकी लेंथ सेम है, इनके मोमेंट सेम है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कांस्टेंट कंसिडर कर रखी है मैंने, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जितनी स्ट्रेन एनर्जी AB पोर्शन में आएगी उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी CD पोर्शन में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 × AB + BC। ओके, अब यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोमेंट चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, AB पोर्शन पर मोमेंट निकालते हैं। जब आप AB पोर्शन पर मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट एट अ सेक्शन X1 आपको मिल जाएगा P × X और जब आप BC पोर्शन पर मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट एट अ सेक्शन X2 कितना हो जाएगा, ये सेंटर पर खड़े हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, फिर ये पूरी डिस्टेंस L है, तो यहाँ पर आप आइदर साइड की कंडीशन लगाओगे, यहाँ पर खड़े होकर एक साइड कंसिडर कर लीजिए तो आपको मिलेगा P × 2L
माइनस, क्योंकि इसका जो कपल बनेगा, इसका जो मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर आप लेफ्ट देख रहे हो तो ये डायरेक्शन होती है नेगेटिव और ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव। ओके, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मोमेंट करेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी इन टू एल। ओके, जब आप एक्स टू एक्स सेक्शन पर मोमेंट निकालोगे तो आपका मोमेंट आएगा पी एल। अब देख सकते हो ए बी पोर्शन पर आप देखोगे तो यहाँ पर मोमेंट आपका वेरिएबल है, और अगर आप बी सी पोर्शन को देखोगे तो मोमेंट आपका आपका क्या है, कांस्टेंट है। ए बी पोर्शन की जो लेंथ है वो एल है और बी सी पोर्शन की जो लेंथ है वो टू एल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वरना अगर आपने लेंथ में गड़बड़ी करी तो लिमिट में भी आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, टू इंटू इंटीग्रेशन, ए बी पोर्शन की लेंथ एल है तो लिमिट लगा दी जीरो टू एल, उसके बाद एम कितना आया है, पी एक्स आया है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई प्लस कर दीजिए। जो आपका बी सी पोर्शन है उस पर मोमेंट कॉन्स्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एम कितना आया है, पी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू, लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ है टू एल, तो डायरेक्टली टू एल लिख दीजिए अपॉन टू ई आई। जब आप थोड़ा सॉल्व करोगे, टू से टू को कैंसिल करोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो एल क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, क्योंकि टू से टू ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पर भी टू से टू को कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा फोर बाई थ्री पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई। आप देख सकते हो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल गई, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, करेक्ट है। ओके, फोर बाई थ्री पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई आई। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी को सॉल्व करा। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रही हूँ, खत्म नहीं कर रही हूँ, यहीं पर रोक रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं क्या करूँगी, आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पर आप स्ट्रेन एनर्जी को भी फाइंड करोगे, और स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से कास्टिग्लियानो थ्योरम को अप्लाई करके आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को भी फाइंड करोगे, क्योंकि आपको सीटीक्यू लेक्चर 8 याद होगा, वहां पर मैंने आपसे कास्टिग्लियानो थ्योरम को डिस्कस करा, लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपसे स्ट्रेन एनर्जी को डिस्कस करा, अब इन दोनों को कंबाइन करके लेक्चर नंबर 16 में मैं आपसे मिलती हूँ, जहां पर ये दोनों चीजें हम लोग साथ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ऐसे भी बताइएगा आपको मेरी वीडियोज कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जब आप लिखते हो तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हमारा गेट का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो, गेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फरवरी में एग्जाम है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।